हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी हैव डन लॉस्ट एंड फाउंड नोटिसेस। टुडे वी विल डू फॉर सेल नोटिसेस और क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 कंसिस्ट्स ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड और फॉर सेल नोटिसेस, मैट्रिमोनियल्स, एकोमोडेशन वांटेड, टू लेट नोटिसेस और क्लासिफाइड्स एंड देन पोस्टर मेकिंग। देयर आर 3 सीरीज। सपोज वन सीरीज इज गेटिंग लॉस्ट एंड फाउंड, अनदर सीरीज माइट बी गेटिंग फॉर सेल नोटिसेज और एनीथिंग एल्स, वट एवर इज देयर इन द सिलेबस। नाउ लेट मी टेल यू कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में है, लेकिन किसी सीरीज को लॉस्ट एंड फाउंड आ जाता है, कई बार किसी को फॉर सेल क्लासीफाइड आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, तो लॉस्ट एंड फाउंड स्कूल के लिए भी थे और स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए और न्यूज़पेपर के लिए भी था। उसी कड़ी में द नेक्स्ट वन इज़ फॉर सेल, जो कि हमें न्यूज़पेपर्स के लिए लिखने होते हैं। वी आर सपोज टू ड्राफ्ट सच एन एडवर्टीजमेंट फॉर न्यूज़पेपर्स। जैसे ये आपके सामने ये न्यूज़पेपर है, इसमें देखिए कार फॉर सेल दिया गया है, प्लॉट फॉर सेल है, कार फॉर सेल है, तो ये दिस इज क्लासिफाइड पेज। सपोज यू हैव सेकेंड हैंड कार एंड यू वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ दैट कार, सो यू आर सपोज टू राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द न्यूज़पेपर। तो आपने उसके लिए क्या ध्यान में रखना है, कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि लॉस्ट एंड फाउंड और कार फॉर सेल बहुत कम शब्दों में लिखे जाते हैं, तो पता नहीं 5 मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को न्यूज़पेपर में लिखना बता रहे हैं। न्यूज़पेपर में फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी पब्लिश नहीं होता है, यू विल हैव टू पे मनी फॉर दैट। तो जितना कम लिखेंगे, अपनी बात को पहुंचा देंगे, 25 वर्ड्स मोस्टली, वो आपका काम बन जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मत लिखिए। फॉर सेल में स्टूडेंट्स, यू आर टू रिमेंबर 3 or 4 points। नंबर 1 इज़ व्हाट, अगेन आई एम टेलिंग दैट इट इज़ द एग्जामिनर हु इज़ आस्किंग यू व्हाट टू डिस्पोज ऑफ, नाम उसका वो अपने आप दे देगा। देन देयर इज मेक, व्हाट इज़ द मेक और ब्रांड ऑफ दैट व्हीकल, जैसे सपोज शेवरले है, फिर हुंडई है, फिर टाटा है, मारुति है, देर आर सो मैनी ब्रांड्स इन द मार्केट, आप कोई भी उसमें से लिख सकते हैं। इफ़ द ब्रांड इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, देन यू आर सपोज टू स्टिक टू दैट ब्रांड, तब वो ही लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज आप अपना फिक्टिशियस कुछ भी लिख सकते हो। देन देयर इज एज, इज एज ऑफ द व्हीकल, देर इज एज ऑफ व्हीकल। नो, वट इज द एज ऑफ व्हीकल, आप बोलेंगे ये क्या बात है, व्हीकल की भी कोई एज होती है? हाँ जी होती है। हम मान लो पैदा हुए 1990 में, तो उस व्यक्ति की उम्र क्या होगी, 30 ईयर्स होगी, तो व्हीकल की भी एज है। जिस साल उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ है कंप्लीट, जब वो मैन्युफैक्चर हुई है, दैट इज़ द एज ऑफ द व्हीकल, वो उसका मॉडल है, जिसको हम मॉडल बोलेंगे। एज मैंने वैसे ही आपको आसानी के लिए लिख लिया कि जो मॉडल है, जैसे सपोज गाड़ी 10 साल पुरानी आप खरीद सकते हो, लेकिन गाड़ी 50 साल पुरानी वो थोड़ी खरीदोगे, वो तो कबाड़ है, उसको वो किसी भी काम की नहीं है, और 15 साल के बाद वैसे भी रजिस्ट्रेशन जो वो हमारी ख़त्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। देन स्टूडेंट्स, देयर आर पेपर्स। पेपर्स मीन, व्हाट डू मीन बाय पेपर्स? पेपर्स क्या होते हैं? आरसी है। अगर आपके पास आरसी नहीं, तो गाड़ी चोरी की भी हो सकती है, आप ही उसके मालिक हो, जो उस गाड़ी को बेच रहा है वही उसका मालिक है, ये भी तो कंफर्म करना है, तो वो कंफर्म कहाँ से होगा? आरसी से होगा। स्टूडेंट्स, देन पेपर्स में क्या आता है? इंश्योरेंस। आपकी गाड़ी जो है इंश्योर्ड हुई होनी चाहिए। मान लो आपने 4-5 साल से इंश्योरेंस नहीं किया, तो फाइन पड़ेगा उसको, तो वो भी उसको नहीं खरीदेगा, तो पेपर्स भी, पेपर शुड बी कंप्लीट। देन देयर इज कंडीशन ऑफ द कार और बाइक और वट एवर नोटिस यू आर और एडवर्टीजमेंट यू आर राइटिंग, तो उसकी कंडीशन क्या है? दैट शुड बी इन वेरी गुड कंडीशन, तभी कोई खरीदेगा। और उसके बाद कॉन्टैक्ट या कंडीशन के साथ आप प्राइस लिख सकते हो, लेकिन प्राइस लिखने में एक नुकसान है कि मान लो आप अपनी गाड़ी का प्राइस, यू आर राइटिंग 1 lakh rupees, और द पर्सन हु वॉन्ट्स टू बाय दैट कार, ही हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ पेइंग 90,000, सो ही वॉन्ट कॉन्टैक्ट यू। सो वट विल यू डू? यू शुड राइट प्राइस नेगोशिएबल। फ़ोन करेगा, अगर आप उसको प्राइस ऊपर नीचे करना है, हो जाएगा, नेगोशिएशन हो जाएगा, बातचीत से दैट कैन बी सॉल्व। स्टूडेंट्स, एंड लास्ट वन इज़ कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट में आपने कोई अपना विलेज पीओ देने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपना फ़ोन नंबर दीजिए, जिसको गाड़ी की जरूरत है वो आपको फ़ोन करेगा और आपसे
मिल लेगा और गाड़ी खरीद लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीजें आपने याद रखनी है, सिंपल तरीका। जैसे मैंने डब्ल्यू 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 बताया था तो इसमें डब्ल्यू तो आएगा ही, वो तो अपने आप आ जाएगा, प्लस मैंने इसलिए लिखा, उसका आप कलर वगैरह लिख सकते हो। फिर मेक में ब्रांड आ जाएगा, मॉडल आ जाएगा, अगर याद नहीं रहता तो व्हाट आपको पता ही है। उसके बाद एम एम पी सी सी, एम एम पी सी सी क्या है, मेरे मम्मी पापा चाचा चाची, तो ये हो गए चार। तो मेरे मम्मी पापा चाचा चाची ये हो गए एक ही परिवार के, तो वो आपको याद रहेगा। अब मैं आपको एक नोटिस लिख करके बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव दिस नोटिस, फॉर सेल नोटिस। हमने लिखा है व्हाट यू हैव मारुति 800 दैट यू वांट टू डिस्पोज ऑफ, ठीक है, बिकॉज यू वांट टू बाय अ न्यू कार। तो मारुति 800 व्हाट लिख लिया, साथ में उसका कलर लिख लो, वाइट, रेड, ब्लैक, ब्लू, जो भी है वो आप कलर लिख लो। फिर मैंने आपको कहा था उसकी एज क्या है, एज मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका मॉडल क्या है, दैट इज़ 2013 मॉडल। मॉडल भी आ गया, उसके बाद हो गया कंप्लीट पेपर्स, हमने नहीं लिखना आरसी है वो है, हमने लिख दिया कंप्लीट पेपर्स, वट एवर द पेपर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ व्हीकल दे आर कंप्लीट, वो हो गया। उसके बाद इन गुड कंडीशन, इन एक्सेलेंट कंडीशन, कई लिख देते हैं न्यू सीट कवर्स, न्यू टायर्स, लीव दोज थिंग्स, शब्दों को बनाने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर में अगर आप दोगे तो वहाँ सेंटीमेंट मीटर के हिसाब से आपसे पैसे लेते हैं या वर्ड्स के हिसाब से पैसे लेते हैं, तो कम से कम लिखिए, आपने लिख लिया इन अ गुड कंडीशन, गुड कंडीशन मीन गुड कंडीशन। देन वी हैव प्राइस नेगोशिएबल, प्राइस नेगोशिएबल, बातचीत से हल कर लेंगे प्राइस। उसके बाद कॉन्टैक्ट लिख लिया आपने 94183 प्लस प्लस प्लस, जो भी आपने वो प्राइस देना है, सॉरी आपने अपना कॉन्टैक्ट देना है वो आप कॉन्टैक्ट दे सकते हो। विलेज, पीओ, तहसील, डिस्ट्रिक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके घर चल करके नहीं आएगा गाड़ी को खरीदने के लिए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ये है, एक ही आपने फॉर सेल याद करना है, हमने पचासों नहीं करने याद। मैंने आपको ये बताया कि आप इमेजिनेशन करिए कि मेरे घर में एक गाड़ी है, वो किस ब्रांड की है, फिर उसका मॉडल क्या है, क्या उसके जो पेपर्स हैं वो कंप्लीट है, और उसकी कंडीशन क्या है, वही आपने लिखना, और कुछ नहीं लिखना है। आप गाड़ी का नाम जो है वो बदल सकते हो, यहाँ पर कुछ भी लिख लो, आप टाटा सफारी लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिखो, बाकी जो मर्जी लिखते रहो, आपकी मर्जी है। अगर एग्ज़ाम में दी है तो वो लिख लो, अगर नहीं दिया गया है तो आप उसे अपने आप दे सकते हो। अब स्टूडेंट्स फिर हम बोलेंगे कि हम अब बाइक के बारे में करते हैं, स्कूटर के बारे में करते हैं, कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पर सिर्फ व्हाट लिखना है। अब आपने क्या लिखा, आप लिख रहे हो होंडा एक्टिवा, आपने ये दो शब्द जोड़े, बाकी वही लिख दिया। अब क्या है, जो पेपर्स, जो सिस्टम एक कार में होता है, ट्रक में होता है, बस में होता है, वही एक्टिवा में होता है, वही कागज, वही पेपर, वही चीज़ें उनके लिए जरूरी होती है। होंडा एक्टिवा ये स्कूटी है, वाइट कलर की है, 2013 में बनी है। फिर उसके कंप्लीट पेपर्स है, वही कंप्लीट पेपर्स, आरसी होती है और इंश्योरेंस, यही दो चीज़ें उसके लिए भी जरूरी है। इन गुड कंडीशन, प्राइस नेगोशिएबल, कॉन्टैक्ट कर लो। अब आप कोई बाइक बेचने वाले हो तो आप यहाँ पर लिख लो बजाज पल्सर ब्लैक, बस हो गया, बाइक का बन गया, कार की भी बन गई, बाइक का बन गया, स्कूटर का बन गया, बजाज पल्सर ब्लैक। अगर आपने स्कूटर जो अब लगभग बंद हो चुके हैं, बजाज चेतक है पुराना आपके पास, तो बजाज चेतक, LML वेस्पा, बाकी रहने दो ऐसे ही, बाकी कोई चेंज नहीं करना है, कोई आपको क्रेमिंग नहीं करनी है, कोई रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ आपने ये चीज़ें याद रखनी हैं कि जो मैं आपको बोला था, वट है, MM है, P है और CC है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर होगी, आपके फॉर सेल नोटिस बिल्कुल क्लियर हो गए, आपके 5 मार्क्स का काम
कंप्लीट हो गया, इतना ही छोटा लिखना होता है, जैसे इसमें लिखा है देखो छोटे छोटे लिखे हैं, 25-30 वर्ड से ज़्यादा ये नहीं होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।